My name is Vivek. I am teaching history. So, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का अर्थ, इतिहास शब्द का अर्थ और उसका काल विभाजन. इतिहास का काल विभाजन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपका सिलेबस जो है BA फर्स्ट सेमेस्टर का, जो इतिहास विषय का द्वितीय पेपर है जिसका कोड है HIS 102, तो उसका जो पहला यूनिट है वह है प्रारंभिक इतिहास का परिचय. तो प्रारंभिक इतिहास समझने के लिए क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, उसके लिए हमको इतिहास का काल विभाजन जानना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि प्रारंभिक इतिहास क्या होता है. ठीक है, तो उसके पहले और सबसे पहले हम लोग इतिहास क्या होता है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जिससे उत्पत्ति हुई उसका क्या अर्थ है, और इतिहास का पिता क्या किसे कहा जाता है. ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं लेकिन जानना ज़रूरी है. एक इतिहास के विद्यार्थी को इन सब चीज़ों को ज्ञान होना जरूरी है, फैक्टों का. ठीक है, तो अभी देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हिस्ट्री. हिस्ट्री जो कि इंग्लिश शब्द है, हिस्ट्री जो है वो इंग्लिश शब्द है, जिसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है. किससे हुई है? हिस्टोरिया से. ठीक है, जिसका अर्थ है खोजना या जानना. यह शब्द अतीत की घटनाओं की ओर संकेत करता है. ठीक, तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री शब्द जो है जिसका अर्थ होता है इतिहास, लेकिन जो हिस्ट्री शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से. और हिस्टोरिया का जो अर्थ होता है वो होता है खोजना या जानना. ठीक है, तो खोजना या जानना, किस चीज़ को खोजना या किस चीज़ को जानना, तो उसके आगे लिखा है यह शब्द अतीत की घटनाओं की ओर संकेत करता है. तो अतीत की घटनाओं की खोजना या जानना, ओके, जैसे अब हम क्या खोजेंगे, अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं के बारे में तो जानना है, उसी को तो खोजबीन करना है कि क्या हुई, कैसे हुई, क्या क्यों हुआ, कब हुआ, यही सब तो इतिहास में किया जाता है. ठीक है, तो खोज क्या हुआ, इसका शब्द जो शाब्दिक अर्थ है हिस्टोरिया का, उसका अर्थ है खोजना या जानना, मतलब अपने अतीत की घटनाओं का खोज करना, खोजबीन करना, उसका अन्वेषण करना. ठीक है, तो ये होगा हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ या हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ. ठीक है, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक लेखक हेरोडोटस ने किया था, इसीलिए उसे इतिहास का पिता कहा जाता है. ठीक है, तो जो हिस्ट्री शब्द है इंग्लिश का, उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, जिस व्यक्ति ने किया था, उसका नाम था हेरोडोटस, जो ग्रीक का रहने वाला था. जो कहाँ का रहने वाला था? ग्रीक का रहने वाला था. ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी, तो जो हिस्ट्री शब्द है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था हेरोडोटस, जो कहाँ का रहने वाला था? ग्रीक का या यूनान का. तो इसी कारण जो हेरोडोटस है उसको इतिहास का पिता कहा जाता है. क्या कहता है? इतिहास का पिता. ठीक है, तो दो तीन फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे जाना. पहला यह कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, मतलब हिस्टोरिया से हुई है. वो कौन सा वर्ड है? तो ग्रीक वर्ड है. उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है खोजना या जानना होता है. ठीक है, तो ये फैक्ट दो तीन चीज़ जाने. चौथा यह कि इतिहास का पिता कौन है, किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है. तो इतिहास के जो पिता है वो है हेरोडोटस, और उनको इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था. ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं.
अब भी तो अपना हिस्ट्री की बात की, हिस्ट्री शब्द की बात किया कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इतिहास शब्द की कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इतिहास शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह हुई तीन शब्दों से हुई है, इति ह आ, इति प्लस ह प्लस आस, इन तीन शब्दों से इतिहास की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इन तीनों का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इस प्रकार इतिहास किसी जाति समुदाय अथवा समाज के जीवन के बीते हुए समय की कहानी है, परंतु यह कल्पना के आधार पर नहीं अपितु तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। ठीक है, तो जो इतिहास है इस शब्द का अर्थ क्या है, इन तीन इतिहास जो शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, पहला इति, दूसरा ह, तीसरा आस। इति का अर्थ होता है जो बीत गया, मतलब जो हो चुका है। दूसरा ह का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है निश्चित। ठीक है, निश्चित। उसके बाद आस का मतलब होता है घटना, मतलब ऐसा निश्चित घटना हुआ। तो इतिहास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है ऐसा निश्चित घटना हुआ, या निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ, मतलब जो भी हुआ है वह सत्य है, न कि कल्पना है। ठीक है, इतिहास का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि जो चीजें हुई हैं वो वास्तविक रूप में हुई हैं, वो यथार्थ है, न कि किसी की कल्पना है। वो यथार्थ कैसे है, क्योंकि वो से स्रोतों द्वारा तथ्यों द्वारा प्रमाणित किया गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कहानी है परंतु ये कल्पना के आधार पर नहीं अपितु तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। मतलब जो इतिहास है वो क्या है, किसी समाज, किसी समुदाय, किसी जाति का अतीत की कहानी है। हम इतिहास में ही तो पढ़ते हैं कि कब क्या हुआ, कौन हमारा समाज पहले कैसा था, लोग कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, कैसी वहाँ की व्यवस्था थी, क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या आर्थिक व्यवस्था थी, क्या धार्मिक व्यवस्था थी, यही सब तो हम पढ़ते हैं इतिहास में। ठीक है, तो वो कल्पना मतलब क्या है, वो कोई कल्पना करके उसको अगर लिख देता है तब तो वो गलत है, तब तो वो इतिहास नहीं है। इतिहास कब है, जब जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें हम जानते हैं वो प्रमाणित हो, वो वास्तविक रूप से हो, या प्रमाणित कैसे हुआ, मतलब तथ्यों द्वारा प्रमाणित हो, स्रोतों द्वारा प्रमाणित हो, जो भी इतिहास लिखने के साधन है उसका साक्ष्य, मतलब उसके आधार पर प्रमाणित हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे, अन्यथा वो केवल एक कहानी बनकर रह जाएगी। इतिहास और कहानी में यही अंतर है। क्या अंतर है कि कहानी किसी की कल्पना हो सकती है, किसी व्यक्ति की कल्पना हो सकती है, लेकिन इतिहास कल्पना नहीं हो सकती है, वह वास्तविक होता है, सत्य होता है, यथार्थ होता है, वह प्रमाणिक होता है। जैसे अब अगर हम मान लेते हैं, एक उदाहरण देके समझाते हैं इसको, जैसे कि जो अगर पाषाण काल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, उसमें पाषाणकालीन जीवन के बारे में वर्णन है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो पाषाण काल का मानव है वो वस्त्र नहीं पहनता था, वो कच्चे फलों पर निर्भर करता रहता था, रहने के लिए उसके पास घर नहीं थे। ये एक घटना हो गई, एक हमारे कहानी एक तरह से हो गई छोटी सी। तो उसमें क्या है, अगर ये इतिहास है या कहानी, तभी तो हमको कहानी लग रहा है, लेकिन इसे इतिहास कैसे बन जाएगा, जब हम उसे, जब कैसे बना इतिहास, है कैसे मालूम चला कि हाँ ये सही है, क्योंकि उस काल के जो जीवाश्म हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो प्रूफ करते हैं कि हाँ उस काल का मानव ऐसे ही अपना जीवन यापन करता था। इसीलिए क्या है वो हमारे लिए क्या है, इतिहास है, न कि ये कल्पना या कहानी है। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार उक्त व्याख्याओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिन वृत्तांतों को विश्वास के साथ प्रमाणित किया जा सके वे इतिहास में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास करते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि जिन वृत्तांतों को विश्वास के साथ प्रमाणित किया सके, मतलब जिन घटनाओं को, जिन कहानियों को विश्वास के साथ प्रमाणित किया जा सके या तथ्यों द्वारा प्रमाणित हुए, उसे ही हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे, अन्यथा वो इतिहास नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन मतलब पूरे इतिहास को
तीन भागों में बांटा जाता है। पूरे विश्व में हर देश अपने इतिहास को तीन भागों में विभाजित करता है, ठीक है। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। तो हर देश का काल अलग अलग होता है। प्राचीन इतिहास का काल किसी देश के लिए अलग होगा, मध्यकालीन इतिहास का काल किसी देश के लिए अलग होगा, आधुनिक इतिहास के लिए काल किसी देश के लिए अलग होगा, ठीक है। तो जैसे भारत में क्या है, जो प्राचीन इतिहास है वो कहाँ से कहाँ तक है? प्रारंभ से, जब से मानव की उत्पत्ति हुई, जब से मानव जीवन अस्तित्व में आया, तब से लेकर इसको माना जाता है मानव की उत्पत्ति या मानव जीवन के अस्तित्व लगभग 250 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, कोई मानते हैं 200 लाख वर्ष पूर्व हुआ, जो भी मान्यता है, कम से कम ये तो तय है कि 50 लाख वर्ष पूर्व ही हुआ था। तो तब से लेकर 650 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं भारत में? प्राचीन इतिहास कहते हैं। उसके बाद 1757 ईस्वी तक के काल को मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। 1757 से लेकर 1947 तक के इतिहास को हम क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास कहते हैं, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास को भी दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पर लिखा नहीं है। 650 ईस्वी से लेकर लगभग 1206 ईस्वी तक, उस काल को कहा जाता है, जैसे 650 है तो 650 से लेकर 650 से लेकर कहाँ तक है? 1757। इसको दो भागों में बांटा जाता है, 50 से लेकर 1206 तक, ठीक है। और ये दूसरा है 1206 से 1757 तक, ठीक है। तो 650 से लेकर 1200-1600 तक के काल को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक मध्यकाल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के काल को क्या कहते हैं? प्रारंभिक मध्यकाल कहते हैं। और 1206 से लेकर 1757 तक काल को हम लोग कहते हैं उत्तर मध्यकालीन इतिहास या उत्तर मध्यकाल, ठीक है। आगे क्या है? ऐतिहासिक काल जो है 1757 से लेकर 1947 तक का काल है, जब भारत की आज़ादी मिल गई 1947 तक, और जो संघर्ष वगैरह होता है उस काल को हम लोग कहते हैं आधुनिक इतिहास, ठीक है। हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हमको इधर जानना है, हमको प्राचीन इतिहास से मतलब है, ठीक है। एक तरह से मान लो तो प्राचीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक है? प्रारंभ से लेकर 650 ईस्वी तक। प्राचीन इतिहास को दो तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, जो प्रारंभ से 2350 ईस्वी पूर्व तक है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जो 2350 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक है। और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 650 ईस्वी पूर्व तक। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा जब प्राक ऐतिहासिक काल हमारे सिलेबस में है, कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, एक प्राक ऐतिहासिक काल का संक्षिप्त इतिहास, तो हम पढ़ेंगे डिटेल में वहाँ पे। लेकिन अभी प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को प्राचीन इतिहास को क्यों बांटा गया है ये मैं बता दे रहा हूँ। प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ तक के काल का हो, जैसे जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसको इसलिए विभाजन किया गया है कि क्योंकि इस काल का जो इतिहास है इस काल के इतिहास का निर्माण केवल हम लोग पुरातात्विक अवशेषों या जीवाश्मों के आधार पर ही कर पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस काल में हमको कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात जिस काल के इतिहास का हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उस काल को हम क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल, अर्थात जिस काल के इतिहास का निर्माण केवल जीवाश्मों पुरातात्विक अवशेषों से होता है
उस काल को हम क्या कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो यहाँ पर देखना जो प्राक ऐतिहासिक काल है जो प्रारंभ से लगभग 2350 ईस्वी पूर्व तक है, उस काल की जानकारी हमको, उस काल की जानकारी के लिए हमको किस पर निर्भर रहना पड़ता है, केवल केवल और केवल पुरातात्विक अवशेषों पर ही। अब आते हैं आद्य के ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें हमको लिखित साक्ष्य तो मिलता है, लिखित जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वो किस भाषा में है, किस सांकेतिक कोड में लिखा गया है, जिस काल के लोगों ने लिखा गया है, उस काल के लोगों ने अपनी भाषा में लिखा है, जिसको आज तक कोई पढ़ या लिख पढ़ नहीं पाया है और उसका अर्थ नहीं बता पाया है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल का हमारे पास लिखित जानकारी तो उपलब्ध है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब आते हैं 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 650 ईस्वी पूर्व नहीं होगा, 650 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस काल उसके बाद के काल को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। जब से हमको लिखित जानकारी मिलने लगती है, जिस काल के इतिहास की जानकारी हमको लिखित रूप से उपलब्ध होने लगती है, उस काल को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है कि जिस काल के इतिहास की जानकारी केवल पुरातात्विक अवशेषों पर ही निर्मित हुआ है, जिस काल की जानकारी हमको केवल पुरातात्विक अवशेषों पर ही मिली है, उस काल को प्राक ऐतिहासिक काल में रख दिया गया है। और जिस काल की इस काल में मानो लिखना पढ़ना तो जान गया था, कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन विभाजन की दृष्टि से इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जब मानव लिखना तो जान गया था लेकिन आज तक हम उसको नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, अब यहाँ से इस काल की जानकारी हमको मिलने लगती है लिखित रूप से, इसलिए इसको कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो विभाजन हुआ था, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब ये सब सारी चीज़ें हम क्या है, प्रारंभिक इतिहास का परिचय कर रहे हैं कि किस काल में बांटा गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें हुई हैं। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक काल को भी दो कालों में बांटा गया है, किसमें? पाषाण काल और धातु काल। पाषाण काल को कब से कब तक बांटा गया है? 2300 प्रारंभ से हो गया 3500 ईस्वी तक, और जो धातु काल है वो 35 ईस्वी पूर्व से लेकर 2350 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, फिर क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है, पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है वो प्रारंभ से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक है, और जो मध्य पाषाण काल है वो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक है, और जो नव पाषाण काल है वो 6,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 3500 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, अब पुनः पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो काल है वो प्रारंभ से 50,000 ईस्वी पूर्व तक है, मध्य पाषाण काल का जो काल है वो 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक है, और जो उच्च पूरा पाषाण काल का काल है वो 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। तो आज का क्लास हम यही रोकते हैं, फिर विस्तार में हम लोग कल से प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे।